हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी और आलू के बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। आप ज़रूर बनाइएगा, आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक उस सबको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये आप टी टाइम में बना ले या ऐसे ही जब आपका खाने का दिल करे कुछ स्नैक्स वगैरह तो बना सकती हैं। बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले गैस पर हम यहाँ पर कढ़ाई रख लेते हैं। एक बोल हम यहाँ पर डाल लेंगे पानी। एक छोटी चम्मच हम यहाँ पर नमक डाल लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हल्दी डालने से कलर थोड़ा अच्छा आएगा इसलिए मैंने डाली है। एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। दो चुटकी यहाँ पे हींग डाल लिया है। हींग आप ज़रूर डालें, टेस्ट भी अच्छा आएगा, डाइजेस्ट के लिए भी अच्छी होती है। दो छोटी चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है तेल। एक बार अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। पानी को हम अच्छा गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पे सूजी डाल ली है। तो जिस बोल से मैंने एक बोल पानी लिया था उसी बोल से एक बोल हमने यहाँ पे सूजी ली है। सूजी मुझे बारीक वाली चाहिए, मेरे पास मोटी सूजी थी तो ग्राइंडर जार में मैंने ग्राइंड कर लिया तो सूजी बारीक हो गया। अगर आपको भी ऐसे ही मोटी सूजी बारीक करनी होती है तो आप ग्राइंडर जार में बारीक कर ले। उसके बाद देखिए हम इसे चम्मच से लगातार चलाते हुए थोड़ा पका लेंगे जब तक कि ये एक डोसा ना बन जाए। बस इतना ही पकाना है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट में एक डोसा बन जाएगा। चम्मच से ज़रूर चलाना है, नहीं तो ये तली लग जाएगा। तो देखिए ये कितना सख्त हो रहा है और सूजी बहुत जल्दी पानी भी सोख लेती है। बस गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेते हैं और 4 उबले हुए आलू हम यहाँ पे ले लेंगे। आलू को आप ग्रेट कर ले क्योंकि ग्रेट करने से आलू में कोई भी लम्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो देखिए सारे आलू को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे सूजी का जो डो हमने बनाया हुआ है वो हम आलू में मिक्स कर लेंगे। देखिए डो को मिक्स कर लेते हैं आलू में। अब आपस में इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और सूजी थोड़ा हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, उससे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल ली हूँ, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और आधी चम्मच हम यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया आप ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है हरे धनिए से। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस डो हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। हाथ में आपको थोड़ा सा तेल लगाना है और इस तरीके से हम देखें हम स्नैक्स के लिए इसके पतले पतले लंबे लंबे से पीस से बना लेंगे। तो पहले आप गोल पेड़ा बनाएं और उसी में से इस तरीके से पतला पतला कर लें। और बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको बनाना है, बहुत सख्त हाथ से आप ना बनाएं। और देखिए एक बार में प्लेट भर के हम बना लेंगे ताकि एक साथ हम इसे फ्राई कर सकें। और ध्यान रखना है पंखे की हवा से बिल्कुल नहीं सूखने चाहिए। आप गीले कपड़े से इन्हें ढक के रख दें अगर काफ़ी सारे बना रही हैं एक बार में। तो देखिए सारे हमने बना के तैयार कर लिए। गैस में मैंने यहाँ पे तेल रख दिया गर्म करने के लिए। तो तेल हमें थोड़ा अच्छा गर्म चाहिए, धुआं उठता हुआ भी नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा अच्छा सा गर्म हो। उसके बाद एक एक करके हम इसमें यहाँ पे पीस डाल देते हैं और थोड़ा रुक रुक के आपको पीस डालना है। एक साथ में ही अगर आप डालेंगी तो ये आपस में चिपक जाएंगे और अब अलग करने में थोड़ा मुश्किल होगी। थोड़ा रुक रुक के डालें, एक साथ ही ना डालें। और देखिए डालते ही खूब झाग हो जाएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल ऊपर तैरने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है ये अच्छे से फ्राई हो गया अंदर तक। थोड़ी सी आपको किनारे में रोकते हुए निकालने हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है वो कढ़ाई में ही चला जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए कितने क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बनके सूजी के तैयार हुए। अब हम दूसरी बार के डाल लेते हैं। और अगर आप इन्हें बहुत हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। और अगर लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये पूरे टूट जाएंगे, ये सूजी और आलू के बहुत जल्दी से पूरे तेल में फैल जाएंगे और तेल भी पी लेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आपकी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। तो आप वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें तो आप घर पे ही बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। वैसे भी ये थोड़ा कुरकुरे से लग रहे हैं देखने में, तो उन्हें बाहर के क्या देना, आप घर पे ही बना के दे सकती हैं। और जब ये पूरे बन जाए तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाल लें, थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें खट्टेपन के लिए, तो उन्हें बड़े पसंद आएंगे। तो आप ये टी टाइम में कभी भी बना सकती हैं, बच्चों के लिए बना सकती है। वैसे भी होली आ रही है, चाट पकौड़े समोसे तो आपने बहुत खा लिए, एक बार आप ये भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली एक ऐसी नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।